पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन से जब बात की गई तो उन्होंने सवालों की जानकारी देते हुए बताया कि राकेश टिकैत का संसद घेराव चैलेंज किसान आंदोलन पर बोले कि संसद को घेरना आसान नहीं है, संसद को घेरने से देश को नुकसान होगा, सरकार को टकराव से बचना चाहिए। राहुल गांधी का केरल में दिए गए भाषण पर जानकारी देते हुए बताया कि जहां तक वोटर्स की बात है तो वो देश भर के एक समान है, सभी को योजनाओं की समझ है। हाँ, ये जरूरी है कि वहां पर साक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है, जो भी उन्होंने कहा है वो उनका अपना मानना होगा। तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में आज मोटेरा स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखे जाने से विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा है। सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जीते जी इस तरह से नाम में बदलाव कर देना ये हमारी परंपरा के खिलाफ है, ये तो किसी के गुजर जाने के बाद ही किया जाता है। हालांकि सपा सांसद ने ये जरूर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हम सबके हैं, लेकिन ये परंपरा गलत है। इतना बड़ा ऐलान उन्होंने किसी डेस्परेशन में करा है, और मैं तो यही कह रहा हूँ और शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि हमें तो ये देखना है इन सब बातों का जिम्मेदार कौन है। सरकार का अड़ियल रवैया, जब सारा किसान आंदोलित है, पूरे देश का किसान आंदोलित है, तो कम से कम सरकार को उन लोगों की बात सुननी चाहिए जिन लोगों के लिए कानून बनाए गए हैं। उन्होंने संसद को घेरने को कहा है, 40 लाख ट्रैक्टर लाने को कहा है, अब वो कितने लाते हैं कितने, लेकिन एक टकराव का माहौल क्यों पैदा हो रहा है? संसद को घेरना कोई मामूली बात थोड़ी है। किसान का और सरकार के बीच में टकराव पैदा करने से देश का नुकसान होगा। एक सवाल हो रहा है, राहुल गांधी हैं, उन्होंने संसद भी है, वो कल केरल में उन्होंने ये कहा है कि नॉर्थ इंडिया का जो वोटर है उसके मुकाबले केरला का जो वोटर्स है वो योजनाओं को बहुत बेहतर समझता है, कहीं ये क्रिटिसाइज किया है उन्होंने यहाँ के वोटर्स को, क्या मानते हैं आप भी नॉर्थ इंडिया में, क्या मानते हैं, क्या रिएक्शन आपका? देखिए, ये उनका ख्याल है, लेकिन हमारे ख्याल से तो सब जगह के वोटर एक से हैं, सब जगह लोगों में समझ है, योजनाओं की समझ है, लोग काम कराते भी हैं और योजनाओं का फ़ायदा भी उठाते हैं। कहीं डिवाइड वाला तो नहीं, जैसे डिवाइड ये ज़रूर, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि लिटरेसी रेट जितना साउथ का है उतना नॉर्थ का नहीं है, ये एक फैक्ट है और ये आंकड़ों के हिसाब से भी सही है। तो उनका उनका अपने ओपिनियन है, हमारे हिसाब से तो वोटर सब जगह का जागरूक है। देश का सबसे बड़ा अहमदाबाद में स्टेडियम मोटेरा, अभी तक नाम उसका मोटेरा था, लेकिन आज उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, क्या मानते हैं इसको, जो नामकरण जिस तरह का हो रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हम सबके प्रधानमंत्री हैं और हम इस शख्सियत की बात नहीं करना चाहते, प्रधानमंत्री का हम सब सम्मान करते हैं, उनकी कुर्सी का सम्मान है, उनके रुतबे का सम्मान है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे नाम बदलवा देना ये हमारी परंपराओं के खिलाफ है। आदमी जब दुनिया से गुजर जाता है तो आमतौर से उसके नाम के ऊपर इस तरह के काम किए जाते हैं, मतलब ये ठीक नहीं है इस तरह से, जाहिर सी बात। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।